हाय सबसे पहले तो किस्मत के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह की मूवी है वो जी। बताइए। किस्मत एक लव स्टोरी है और बेसिकली एक लड़के और लड़की की कहानी है जो चंडीगढ़ में मिलते हैं वाइल एजुकेटिंग देमसेल्व्स जब कॉलेज में होते हैं। एंड पर इट्स अ कॉमेडी लव स्टोरी एंड इट्स क्वाइट अ सीरियस लव स्टोरी बाय द एंड ऑफ इट। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत एलिमेंट्स हैं हंसने के रोने के, और ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी क्योंकि पंजाब में इस तरह के काफ़ी लोग होते हैं जो छोटे गांव से, शहरों से और पिंडों से जैसे हम कहते हैं, तो वो आते हैं चंडीगढ़ पढ़ने। यानी जो एमी का कैरेक्टर है वो कैसे चेंज हो जाता है चंडीगढ़ आके। तो आई थिंक किस्मत इज़ अबाउट अ यंग बॉय कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी एंड देन फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल एंड देन हाउ थिंग्स चेंज। 20 घंटे में 2.6 मिलियन क्रॉस कर चुकी है ट्रेलर, जी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है देखा जाए तो। प्लस रीजनल जी रीजनल मूवीज में जाने का क्या इरादा था, इसका थोड़ा बताएंगे। जैसे आपने कहा कि 2.6 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है, कल 6 बजे ट्रेलर निकला और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इतना रिस्पॉन्स है, तो ऑब्वियसली पिक्चर काफ़ी हॉट है, ट्रेड में भी हॉट है और स्टारकास्ट भी बड़ी है। एमी काफ़ी पॉपुलर स्टार हैं और सरगुन इज़ सरगुन अ मेहता, यस यस सरगुन मेहता इज़ अ बिग स्टार, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलैरिटी है पिक्चर की। और जो गाना किस्मत गाना था वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, अभी भी चलता है हर तरफ। तो आई थिंक फिल्म के एलिमेंट्स सारे अच्छे हैं, तो आई थिंक दैट्स वाई लोगों को पसंद आ रहा है। मेन बात है ट्रेलर बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है एंड वी होप दैट पीपल लाइक और लोग थिएटर में आए देखें। और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है। और जो आप पूछ रहे थे कि वहाँ जाने का क्यों, आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्योंकि बॉलीवुड में भी आप जा सकते थे देखा जाए तो, फिर जी जी रीजनल ही क्यों? नहीं बॉलीवुड में तो कर ही रहे हैं, या ऐसा ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड छोड़ दिया बट क्या है कि क्योंकि मेरे खुद के रूट्स पंजाबी हैं, मेरी मदर पंजाबी हैं, तो वी यू नो एक अट्रैक्शन होता है अपने रूट्स का, कल्चर का, एंड आई ऑलवेज हैड दैट फॉर पंजाबी सिनेमा। पर अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक बहुत नई उभरती हुई इंडस्ट्री है। और जो पहले एक टैबू होता था पंजाबी इंडस्ट्री का कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते या लिमिटेड है, अब वो ब्रेक हो रहा है। अब आप देख रहे हैं वो बड़ी फिल्में बन रही हैं, बड़ा बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिल रहा है और बड़े आर्टिस्ट, बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी वहाँ जा रहे हैं। तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, दैट्स वाई आई थिंक हमारा भी इंटेंशन वो था कि ऐसी फिल्म बनाएं। एंड जो मेरे साथ के प्रोड्यूसर्स हैं अंकित और श्री नरोत्तम जी फिल्म्स, उन्होंने 4-5 फिल्में बना रखी हैं ऑलरेडी, निक्का जेलदार और ये सब पुरानी उनकी काफ़ी हिट गई हैं पिक्चरें। तो आई थिंक टीम अच्छी थी, मेन बात ये है कि टीम अच्छी थी, कास्ट अच्छी थी, साउंडेड गुड, तो वी मेड इट। स्क्रिप्ट में ऐसी क्या चीज़ आपको छू गई दिल को कि मुझे इसे प्रोड्यूस करना है, क्योंकि पैसा लगाना है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है देखा जाए तो। स्क्रिप्ट देखिए मेन क्या था कि जो कास्ट थी बड़ी थी और स्क्रिप्ट लव स्टोरी थी, और किस्मत जो गाना अगर आपने सुना होगा तो वो उसमें अगर आप वीडियो भी देखेंगे उस गाने का तो आप देखेंगे उसमें हार्ट ब्रेक है और काफ़ी इमोशनल राइड है एक तरह से। तो मेरे को अलग लगी फिल्म उस तरीके से क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादातर पंजाब में कॉमेडी या फिर बहुत ही सीरियस फिल्में बनती हैं, ये एक मिक्स था जिसमें कॉमेडी भी है और बहुत ज़्यादा इमोशन भी है, लव भी है। तो मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल्स जो हम कहते हैं और जो फ़ोन पे एंड्रॉयड पे लोग ज़्यादा आजकल रहते हैं, उनके लिए ये फिल्म मुझे लगता है अच्छी होगी क्योंकि इसमें रियल लव है। आजकल हम लोग फेक लव बहुत देखते हैं, और मेरी पिक्चर थी बेमान लव, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आजकल कोई इमोशन नहीं है, लव की कोई वैल्यू नहीं है, हर चीज़ धंधा व्यापार या फिर लेन देन पर आ जाता है। तो किस्मत में मुझे लगता है कि ये दिखाया गया है कि असली प्यार क्या होता है, विच मुझे लग रहा है मिसिंग है आज के टाइम पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जब तक इंसान जिंदा है असली प्यार होना चाहिए, तो दैट इज़ द मैसेज। कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किए गए, क्योंकि कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है और काफ़ी बड़े बड़े कास्ट भी इसमें, सरगुन मेहता टीवी की देखा जाए जी तो क्वीन हम बोल सकते हैं उन्हें, और एमी भी है। जी जी जैसे आपने कहा सरगुन टीवी से आई पंजाबी इंडस्ट्री में, और पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया अब,
और उनकी फिल्में बहुत हिट हुई हैं लास्ट 1-2 साल में, फिल्म फेयर भी जीती हैं वो। और एमी का ये था कि एमी बहुत पॉपुलर सिंगर बन गए हैं, उनके गाने बहुत हिट हुए हैं, खासकर किस्मत गाना उनका बहुत हिट हुआ था। तो कास्ट ऑलरेडी जो मेन कास्ट थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और कहानी इन दोनों की है। बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं वो भी अच्छे हैं, और वो भी नोन हैं थोड़े बहुत, तो टीम अच्छी है। और मेन हमारे जो राइटर हैं जगदीप, जगदीप ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं पंजाब में, उनका डेब्यू है, तो आई थिंक टीम अच्छी है। जैसे मैंने कहा अंकित हैं, जगदीप हैं, ये जो टीम है ये बहुत अच्छी है। तो आई थिंक कास्टिंग भी अच्छी थी और म्यूज़िक भी अच्छा था, तो आई थिंक जस्ट मेड सेंस कि इसको बनाया जाए। पंजाब अब तक जाना जाता है म्यूजिक के लिए, कितने गाने इसमें और क्या-क्या है उसके अंदर और क्या मेरी उम्मीद से खास बात 5 से 6 गाने हैं इसमें। अभी एक गाना रिलीज़ हो चुका है और वो भी काफी हिट जी, वो है, भी 10 मिलियन लगभग टेन हुआ है मिलियन के उसका। आसपास चला गया है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। और अभी धीरे धीरे और गाने निकलेंगे। गाने स्पीड, जो पंजाब की बहुत पॉपुलर कंपनी है स्पीड रिकॉर्ड्स, उन्होंने अक्वायर करा है म्यूज़िक, तो दे आर वेरी इस्टेब्लिश, बहुत बड़े कंपनी है। तो यही है, हमारी एक्सपेक्टेशन गानों से बहुत ज़्यादा है। और म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, इसमें 2-3 पेपी नंबर्स भी हैं जो मुझे लगता है काफ़ी हिट होंगे, और बाकी गाने भी बहुत अच्छे हैं फिल्म के। कब तक रिलीज होने के चांसेस है गाने बस इसके, अब इसी क्योंकि वीक में, एक वीक एक तो रिलीज हो चुका है, जी बाकी सब वो भी काफी हिट गया है, तो फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे कि एक ही साथ करेंगे वही, थोड़ा गैप दे देखे। 21st को तो फिल्म ही रिलीज़ हो रही है, या तो उससे पहले गाने भी आ जाएंगे सारे। मतलब आई थिंक अब हर 2-3 दिन के गैप में कुछ ना कुछ आता रहेगा। अभी एक ट्रेलर आया है, फिर शायद एक और कट आए, डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन किस तरह से उसको प्लान कर रही है। तो बस वैसे जैसे जो सारा प्लान बनेगा उसमें चलना पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहूँगा, क्या राय है आपकी सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया क्योंकि आपने भी एक जस्ट एक शॉर्ट फिल्म की हुई है, जी, सोशल क्या मीडिया के बारे में एज एन किस तरह से, राय है आपके यंगस्टर्स के लिए, कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानते हैं इसे सोशल मीडिया काम के लिए कि पर्सनली? काम के लिए? काम के लिए तो अच्छा है आई थिंक सोशल मीडिया अपना, अगर आपने प्रमोशन मार्केटिंग करना है, चीज़ें लोगों को दिखानी है, तो आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग टूल है। सभी लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जितने भी, चाहे बड़े चैनल्स हों, छोटे हों, बड़े एक्टर्स हों, छोटे एक्टर्स हों, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया आज होना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैं बहुत लेट स्टार्ट किया हूँ सोशल मीडिया पे, मैं सिनेमा और टीवी से ज़्यादा लिंक था हमेशा कि बड़े पर्दे पे आना चाहिए या टीवी पे आना चाहिए। बट मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया से बहुत लोगों ने अपना करियर भी बनाया है, और बहुत नए नए न्यू न्यूकमर्स भी आ रहे हैं। कमर्स आ रहे हैं, आविष्कार जिसे हम कहते हैं, नए नए लोग, नया टैलेंट, नई नई चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो सोशल मीडिया इज़ फैंटास्टिक आई थिंक। कई उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, बहुत बेकार की चीज़ें भी आती हैं, बट कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि कहीं आपको कई लोग उठा लें, देख लें, एंड इट कैन चेंज समवंस करियर। अपन ये बोल सकते हैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ये किसको? चीज किसी को भी देखा जाए तो फिर अगर टैलेंट है तो फिर वो एक्सप्लोर कर सकता है। वही, अगर आप देखिए अब सोशल मीडिया का थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभार अजीब चीज़ें भी चल जाती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं या फिर जिसमें थोड़ी सी जो अलग है, कुछ एकदम ही कुछ आबिट है, लोग पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया का ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, टैलेंटेड लोगों के लिए हमेशा जगह रहेगी, अच्छी फिल्मों की व्यूअरशिप रहती है, और अच्छे एक्टर्स को भी देखा जा रहा है, बट सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ पता नहीं क्या क्रिएट हो जाए क्या ना हो। तो सोशल मीडिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना सबके लिए शॉर्ट फिल्म भी आई है आपकी, उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? जी। अभी शॉर्ट फिल्म हमारी जो है शुगर फ्री, वो सोनी लिव पे आने वाली है, सोनी लिव ऐप पे, और सोनी लिव का जो चैनल है, तो उसमें जोया अफरोज़ और मैं हमने एक्ट करा है। और ये जो फिल्म है ये बात करती है कॉर्पोरेट और वर्क स्ट्रेस की। बेसिकली आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, तो ये फिल्म हम इसमें दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लें तो आप बहुत प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर आप इग्नोर करें, यहाँ तक कि बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आप इग्नोर करके अगर काम करें और पॉजिटिव माइंड में रहें,
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुगर फ्री इज़ अ स्मॉल टेक ऑन लाइफ एंड जनरली कि लोगों को कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट ये कैसे बेटर कर सकते हैं। इट्स ऑन दैट। और बहुत अच्छी एक स्वीट कहानी निकली है, बहुत अच्छी एक फिल्म निकली है, और अभी हमने कुछ 150-200 लोगों को दिखाई है, तो दे हैव रियली लाइक्ड इट। तो हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई होप पीपल ऑन सोनी लिव, और हमारा अपना चैनल है रेज कॉप मीडिया, उसको उस पर भी हम डालेंगे, तो लोग देखें एंड आई होप दे लाइक इट। जोया प्रोसेस में किस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस रहा आपका? जोया, या शी इज़ वेरी गुड, बहुत प्रोफेशनल हैं एज एन आर्टिस्ट, बहुत ऑन टाइम और डेडिकेटेड हैं, एंड मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो आई थिंक इट वॉज़ फन, मेरे को मज़ा आया उनके साथ काम करने में, हमारी दोस्ती भी अच्छी है, एंड आई ऑलवेज विश अ लक, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। YouTube कितना बड़े स्कोप मानते हैं आप, क्योंकि अभी अभी भी आपने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, YouTube बहुत बड़ा, मुझे लगता है YouTube, और जो अब हम लाइव स्ट्रीमिंग अगर जनरली बात करें ऑनलाइन, ये ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो गया है, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5-7 साल बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लोग अब आप देख रहे हैं टीवी से हट के एंड्रॉयड पे और टैब्स पे ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं आजकल, वेब सीरीज़ का बहुत चल रहा है, हमारे भी 2 वेब सीरीज़ शुरू होने वाली हैं, तो क्योंकि वेब एक इतनी बड़ी रीच है कि टेलीविज़न से लोग हट के और सिनेमा से लोग हट के वेब पे आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट डिनाई इट। और हम लोग क्योंकि मीडिया लाइन से हैं, फिल्म लाइन से हैं, तो हमारे लिए तो ये नेचुरल है कि अगर लोग सिनेमा देखना छोड़ेंगे तो हम वेब पे आएंगे, तो इट्स नॉर्मल कि अब अगर आप देखते हैं कि हमारा गाना, हमारे ट्रेलर्स जो अभी फिल्म के भी रिलीज़ हुए हैं, वो सब वेब पे डिपेंड कर रहा है अब, कि आपके वेब पे कितनी व्यूअरशिप है, कितने लोग देख रहे हैं, तो वेब इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग नाउ, एंड इट्स सीरियस बिजनेस, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल्स हैं, सब लोग वेब पे बहुत बड़े लेवल पे अब काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा एक मूवी भी आ रही है जिसने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जी क्या जी कहना चाहेंगे जी उस मूवी का? वो फिल्म का नाम है 40 एट मिडनाइट, और वो एक्चुअली ड्रग एडिक्शन पे है, एंड कहानी 2 लड़कों की है जो ड्रग एडिक्शन में फंसे हुए हैं बॉम्बे में, और वो उनमें एक एक्टर है लड़का, एक कॉलेज स्टूडेंट है, और उनकी लाइफ के बारे में है, और बड़ा अंडर करंट कि बॉम्बे में एक लाइफ ये भी है जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, तो बहुत अच्छी एक स्टोरी और कहानी निकली थी उसमें, और उसमें मुझे लगता है कि इंटरनेशनली उस फिल्म को बहुत एक्सेप्ट किया गया, बहुत अवार्ड्स जीती हम लोग, अमेरिका, यूके, स्पेन, दुबई, बहुत मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे पिक्चर डब भी हुई, तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे इस फिल्म को ले जाया गया, दिखाया गया, और मेरे को कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि ये फिल्म को आगे दिखाते रहें, क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि ड्रग से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लोग आजकल जो यंग जनरेशन है, खासकर जो 15-16 साल की जनरेशन है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स, तो ये फिल्म मुझे लगता है अगर उनकी लाइफ बदले फिल्म को देख के, तो आई थिंक फिल्म का मोटिव जैसे सॉल्व हो कुछ ना कुछ जाएगा। तो मैसेज मिलेगा इस मूवी के थ्रू जी और यंग जनरेशन सुधरेगी। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हो जाती हैं, तो वो मस्ती मजाक में लोग करने शुरू करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, और ड्रग एडिक्शन की भी यही प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा अलग दुनिया में ले जाती है और आप खोए रहते हैं, और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेन बात यह है कि इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो ये फिल्म का आइडिया ये है कि हम मुंबई को और जो हमारी अर्बन सिटीज़ हैं इंडिया में, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हम दिखाना चाहते हैं कि ड्रग एडिक्शन से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड दैट्स द आइडिया। ओके, फाइनली सर किस्मत पे जा रहे हैं, क्या यूएसपी क्या मूवी की ऑडियंस जाए तो क्यों जाए? USP, एमी विर्क, सरगुन मेहता, बहुत बड़े स्टार हैं दोनों, म्यूज़िक बहुत अच्छा है पिक्चरों का, और मेन कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, तो मुझे लगता है जो लोग थिएटर में जाएंगे उनको बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म, और जो हमारे अंदर बेमान लव आ गया थोड़ा बहुत, असली लव आए, और मुझे लगता है किस्मत देख के लोग शायद प्यार करना थोड़ा सीख जाएं वापस रियली में, और अच्छा होगा, आई थिंक पीपल विल लाइक द फिल्म, फैमिली एंटरटेनर है,
सबके लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, एंड आई थिंक एवरी वन शुड एन्जॉय। तो जो भी लोग थिएटर में जाएंगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो प्लीज़ जाइए और अपने फैमिली के साथ जाइए और फिल्म एन्जॉय करिए।